लोग देखिए, ये हमने टार्क का क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। इसको समझ लिए ध्यान से, अगर न समझ में आए तो बताइएगा। तो इस तरीके से अगर टार्क की वैल्यू निकालते हैं तो फोर्स इंटू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस निकालना है तो साइन थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना, 2l साइन थीटा हो जाएगा, इससे डिस्टेंस। और टार्क इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर, और टार्क इक्वल फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू क्यू ही हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 2l साइन थीटा होगा, 2ql मिलाएंगे तो आ जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा, पी साइन थीटा हो गया। और अगर साइन हटा देंगे पी क्रॉस ई हो जाएगा जो मैक्सिमम है, और अगर लिखते हैं तो टाउ मैक्स लिख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी पी। ओके, थैंक यू।